मैं डॉक्टर आर पी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में हर्पिस को विसर्प या परिसर्प कहा जाता है। ये न्यूक्लियर इंक्लूशन टाइप ए यानी NITA के कारण होता है, जिसमें हर्पिस जोस्टर वायरस, हर्पिस सर्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पिस सिप्लेक्स वायरस 2 शामिल है। इसमें त्वचा पर पानी भरे हुए छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसमें जलन, दर्द, खुजली, त्वचा का पिलपिलापन, त्वचा पर बालों का आना, ऊर्जा में कमी और कमजोरी की समस्या होती है। हर्पिस में दाने पर गहरे गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। हालांकि हर्पिस के फोड़े फुंसी सामान्य ही लगते हैं, लेकिन इनमें दर्द और जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। हर्पिस की समस्या का तुरंत इलाज करने की ज़रूरत होती है। हर्पिस सिम्प्लेक्स एक अन्य प्रकार का हर्पिस संक्रमण है। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV के कारण होता है। HSV-1 प्रमुख तौर पर मुंह, दांत, मसूड़े, तालू, जीभ के नीचे और गाल के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन इसके कारण जेनाइटल संक्रमण भी हो सकता है। ओरल हर्पिस संक्रमण सीधा संपर्क में आने वाले या आने जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति के दांतों का ब्रश इस्तेमाल करने और चुंबन की वजह से फैलता है। HSV-2 जेनाइटल हर्पिस होता है, जो कि यौन संबंध बनाने से फैलता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में असंतुलित हुए दोष के आधार पर विसर्प रोग को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपचारों, जड़ी बूटियों और औषधियों का उल्लेख किया गया है। हर्पिस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संपूर्ण एवं गहन जांच के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सक लंघन, विरेचन, रक्तमोक्षण और लेप की सलाह दे सकते हैं। विसर्प के इलाज में यष्टि मधु, अर्जुन घृत, हरितकी, अमृतादि, क्वाथ और पंचतिक्त घृत गुगल का इस्तेमाल किया जाता है। हर्पिस रोग के बढ़ने के लिए 7 धातु और त्रिदोष जिम्मेदार होते हैं। असंतुलित हुए दोष के आधार पर विसर्प को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। वातज, ये वात दोष के असंतुलन के कारण होता है और इसमें चक्कर, आंखों में जलन, प्यास, कंपकपी, चुभने वाला दर्द, असहजता, खांसी, दर्द, भूख में कमी, अपच, आंखों में धुंधलापन और पानी आना शामिल है। अगला है पित्तज, ये पित्त दोष के असंतुलन के कारण होता है और इसमें बुखार एवं लाल रंग के फोड़े फुंसी तेजी से फैलने लगते हैं। अगला है कफज, ये कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है एवं इसके लक्षणों में बुखार, शरीर में अकड़न, सुन्नपन और भारीपन शामिल है। अगला है त्रिदोषज में हर्पिस त्रिदोष के असंतुलित होने के कारण होता है। ये बहुत तेजी से फैलता है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि उचित चिकित्सीय उपायों के द्वारा इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है अग्नि विसर्प, वात और पित्त के एक साथ बढ़ने के कारण अग्नि विसर्प होता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर चकराना, उल्टी, बहुत प्यास लगना, पाचन शक्ति में कमी और भूख न लगना शामिल है। अगला है कर्दम विसर्प, कर्दम विसर्प धीरे धीरे फैलता है और ये पेट में जाकर अपनी जगह बना लेता है, जिसके कारण प्रभावित हिस्सों में लाल, पीले या हल्के पीले रंग के फोड़े फुंसी होने लगते हैं। अगला है ग्रंथि विसर्प, ये वात और कफ के असंतुलन के कारण होता है और इसकी वजह से ग्रंथियों का आकार बढ़ने लगता है, जिसमें पीप आने लगती है। इस स्थिति को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। हर्पिस का आयुर्वेदिक इलाज में पहला है लंघन। लंघन एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को निम्न 2 तरीके के व्रत करवाना पड़ता है। पहला है बिल्कुल भोजन न करना, दूसरा है दीपन, औषधियों के साथ कम या हल्का भोजन करना। व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर ही उचित लंघन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। भूख लगने तक हर्पिस से ग्रस्त व्यक्ति को व्रत करवाया जाता है।
इसके बाद हल्का और आसानी से पचने वाला खाना एवं अदरक या पिपली का उबला हुआ पानी दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा अधिकतर बीमारियों की जड़, अमा और असंतुलित हुए दोषों का इलाज किया जाता है। इसलिए लंघन चिकित्सा हर्पिस के कारण साथ साथ उसके लक्षण जैसे कि बुखार का इलाज भी करती है। ये शरीर में हल्कापन लाती है, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी उत्तेजित करती है। अगला है विरेचन। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों और इसके मिश्रण के इस्तेमाल से विरेचन किया जाता है। इसमें सामान्य तौर पर सेन्ना, एलोवेरा और रूवर जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। विसर्प से ग्रस्त व्यक्ति में विरेचन असंतुलित पित्त पर कार्य करता है और रक्त की गुणवत्ता में सुधार लाता है। इसके अलावा ये वात और कफ पर भी कार्य करता है एवं शरीर से अमा को बाहर निकालता है। विसर्प की स्थिति में विरेचन के लिए आरोग्यवाधि कषाय का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है रक्त मोक्षण। इस क्रिया में शरीर से विषाक्त रस रक्त को बाहर निकाला जाता है। इस वजह से रक्त में खराब होने के कारण हुए विसर्प रोग में चिकित्सीय प्रभावी होता है। त्वचा रोग जैसे कि हर्पिस प्रमुख तौर पर पित्त दोष के असंतुलन के कारण होता है। रक्त मोक्षण असंतुलित हुए पित्त को साफ करने में मदद करता है और शरीर में असंतुलित दोष को ठीक करता है। अगला है लेप। इस प्रक्रिया में जड़ी बूटियों और उससे मिश्रण से बने काढ़े पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। जिस दोष के असंतुलन के कारण रोग हुआ है एवं व्यक्ति के प्रमुख दोष की प्रकृति के आधार पर लेप के लिए जड़ी बूटियां चुनी जाती हैं। इसके बाद पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर बालों से विपरीत दिशा की ओर लगाया जाता है। आयुर्वेद में विसर्प के निदान के लिए विभिन्न लेपों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि दशांग, महा तिक्त घृत, सतधौत घृत, जंगली चौरी, लाल चंदन, खस मजिष्ठा और नीले कमल के फूल की पत्ती को पानी में मिलाकर तैयार मिश्रण, घृत में मिलाकर गेरू का लेप, कुस्ता और वंशा की जड़ का मिश्रण, सतपुष्प का फल और सहचर आदि। हर्पिस की आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है यष्टि मधु। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले गुण होते हैं। इस जड़ी बूटी में रासायनिक घटक ग्लिक्रीजीन मौजूद है। इसे वैज्ञानिक रूप से डीएनए और आरएनए वायरस जैसे कि HJAD, HSV1 और HSV2 पर असरकारी पाया गया है। 6 सप्ताह या उससे अधिक समय तक चिकित्सा के तौर पर सिर्फ यष्टि मधु लेने पर इसके हानिकारक प्रभाव के रूप में शरीर में सोडियम और पानी की मात्रा बढ़ने की समस्या हो सकती है। हालांकि दूध के साथ यष्टि मधु लेने पर इस तरह के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। अगला है अर्जुन। अर्जुन पाचन तंत्र, प्रजनन और परिसंचरण प्रणाली पर कार्य करती है एवं इसमें ऊर्जादायक, संकुचक, ब्लीडिंग को रोकने वाले और हृदय उत्तेजक गुण मौजूद होते हैं। हृदय संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में अर्जुन खाने वाली सर्वोत्तम जड़ी बूटियों में से एक है। अर्जुन में मौजूद टैनिन घटक कैशुआरिनिन का हर्पिस पर वायरस रोधी प्रभाव सिद्ध हो चुका है। एकने और कई त्वचा विकारों को नियंत्रित करने के लिए अर्जुन को लगाया जाता है। HSV2 पर भी यह असरकारी है। अगला है घृत। घृत में त्वचा को मुलायम, ठंडक, ऊर्जा, अम्लरोधी और पोषक गुण मौजूद होते हैं। ये पाचन अग्नि को संतुलित करता है। इसे पित्त दोष को संतुलित करने की उत्तम जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। वात रोगों को नियंत्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। घृत पाचन बुद्धि याददाश्त को बढ़ाने में भी मदद करता है एवं विभिन्न लेपों को तैयार करने के लिए घृत का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हरितकी। हरितकी पाचन, श्वसन तंत्रिका उत्सर्जन और स्त्री प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें ऊर्जादायक, संकुचक, कफ निस्सारक, जीवाणुरोधी, कृमिनाशक और कार्डियो के लिए शक्तिवर्धक गुण मौजूद होते हैं। हरितकी में एंटीऑक्सीडेंट की श्रृंखला मौजूद है जो कि शरीर के ऊतकों का जीवनकाल बढ़ाते हैं। ये जड़ी बूटी HSV के साथ साथ HIV वायरस पर भी असरकारी है। हर्पिस की आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है अमृतादि क्वाथ। इस मिश्रण में प्रमुख सामग्री अमृता यानी गिलोय है। अमृता अग्नि माध्य के इलाज में मदद करती है। ये पाचन अग्नि के प्रवाह को बढ़ाती है जिससे पाचन में सुधार और भूख बढ़ती है। इसके अलावा अमृतादि क्वाथ में मारिच, पिपली, नाग केसर, नागरमोथा, कुटकी मौजूद है।
अमृतादि क्वाथ विभिन्न वात रोगों जैसे कि पुराने रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में उपयोगी है। ये कई त्वचा रोगों जैसे कि हर्पिस जोस्टर के इलाज में भी मदद करता है। अगला है पंच तिक्त घृत गुगल। इस मिश्रण को नीम की छाल, गुरुची, अड़ूसा, घृत, मोकोय, पिपली, शुंठी, हरिद्रा, कुस्ता, मारीच, मजिष्ठा, जीरा और कई अन्य सामग्रियों से तैयार किया गया है। ये रक्त को साफ और त्वचा की सूजन को कम करता है। इस तरह ये तीव्र और पुराने त्वचा विकारों जैसे कि विसर्प में उपयोगी। इसके अलावा ये विसर्प के सामान्य लक्षण बुखार को नियंत्रित करने में भी प्रभावी है। आयुर्वेद के अनुसार हर्पिस होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने आहार में जौ, गेहूं, मसूर की दाल, चना, मोटा अनाज शामिल करें। फल एवं सब्जियों जैसे कि करेला, किशमिश, अंगूर और अनार खाएं। सही मुद्रा में बैठें। मक्खन, दूध, घी और मांस का सूप पिएं। क्या नहीं करना चाहिए, में पित्त बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ और अमल की न खाएं। कुल्थी, तिल और रसुनन यानी लहसुन न खाएं। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि भूख और प्यास लगने और मल और पेशाब को रोके नहीं। सेक्स करने से बचें। नकारात्मक भावनाओं जैसे कि क्रोध एवं दुख से दूर रहें। व्यायाम, चलने और धूप में जाने से बचें। दिन के समय न सोएं। धन्यवाद।